डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फाइलम पोरीफ्रा में एक इम्पॉर्टेंट फिनमिना यानी रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे स्पॉन्जिस या फाइलम पोरीफ्रा के ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑल लिविंग और रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ज़्यादातर स्पॉन्जिस जो हैं दे आर कॉल्ड मोनीशियस मोनीशियस का मतलब है कि दोनों किस्म की सेक्सेस जो हैं दे आर अक्रिंग इन साइड आ सिंगल इंडिजुअल लेकिन इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का है उसको हम कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंडिजुअल स्पॉन्जेस जो हैं दे विल प्रोड्यूस बोथ्स एग्स एज वेल एज स्पम्ब्स और एक स्पम्स का एग जो है दिस विल भी फर्टिलाइज बाय द स्पम्ब्स ऑफ द अनदर स्पॉन्ज यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस के अंदर नहीं है अब उसके लिए क्या होगा कुछ बॉडी सेल्स जो हैं दे बिहेव लाइक एग्स एंड स्पम्स क्वानोसाइट्स जो हैं नॉर्मली दे लूज देयर कॉलर सेल्स एंड फ्लेजेला एंड आर ट्रांसफर्ड इन टू फ्लेजिलेटेड स्पम्ब्स अब चूँकि स्पम्स जो हैं दे आर ऑलवेज मूविंग दे आर हैविंग देअर लोकोमोट्री ऑर्गेनालिज तो इनके अंदर जो फ्लेजैला होंगे वो मूव करेंगे स्पर्म्स जो हैं वाटर के अंदर इनको एक्सपेल कर दिया जाएगा तो कुछ दूसरे सेल्स जो हैं जिनको हम क्वेनोसाइड्स कहेंगे या मीबॉयड सेल्स कहेंगे इनके अंदर मियोसिस होगी एंड दीज सेल्स दे विल बिहेव लाइक एग्स यानी कुछ सेल्स जो हैं दे विल भी एग्जिस्टिंग दे विल भी एक्टिंग लाइक मेल सेल्स और सम सेल्स दे विल भी एक्टिंग लाइक फीमेल सेल्स सम विल बिहेव लाइक स्पॉम्स और ये सेल्स जो हैं दे विल बिहेव लाइक एग्स अब एग्ज जो हैं दे आर नॉट एक्सपेल्ड आउटसाइड द बॉडी बल्कि ये जो हैं दे आर रिटेनड विद इन दीज मीजोसाइल सेल्स जो हैं विद इन द पेरेंट बॉडी दे आर नॉर्मली रिटेंड अब स्पम्ब्स जो हैं जैसे कि मैंने आपको बताया दे आर एक्सपेल्ड आउट अब एक्सपेल्ड आउट हैं दे आर नॉर्मली स्विमिंग इनसाइड आउटसाइड द बॉडी वाटर अब वही वाटर जो कि बॉडी में एंटर होगा उसी वाटर के थ्रू ये स्पॉन्जेस जो हैं बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे वंस दे एंटर द बॉडी एग्स एंड स्पम्स दे विल मीव थ्रू द इन इनकरेंट वाटर एंड आफ्टर वंस दे मीट दे नॉर्मली फॉर्म द दॉ अब स्पर्म्स जो है सबसे पहले क्विनोसाइड्स में ट्रैप होंगे यहाँ से फिर एक वैक्यूल में चले जाएंगे क्वेनोसाइड्स जो हैं दे विल लूज़ देयर कॉलर एंड फ्लेजैलम जो हैं दैट बिकम अमीबॉइड एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द एग्स कुछ स्पीशीज़ के अंदर अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस यानी जायगोट की अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस इन्हीं सेल्स के अंदर होगी जिसको हम कहते हैं मिजोहाइल्स यहाँ पे आप देखें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर स्पॉम्स स्पॉन्जिस के अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होगी ए रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिस इज़ द बॉडी ऑफ ए टिपिकल स्पॉन्ज यहाँ पे कोई भी एक आउट ग्रोथ जो है वो अपीयर होगी लाइक इस आउट ग्रोथ को हम कह देते हैं बर्ड अब ये बर्ड जो है ये बॉडी से सेपरेट हो गए सेपरेट होने के बाद इस बर्ड ने ग्रो करना शुरू कर दिया और ग्रो करने के बाद दिस बर्ड इज़ नाउ इन द फॉर्म ऑफ़ ए न्यू स्पॉन्ज तो ये न्यू स्पॉन्ज इसके साथ फिर अटैच होता जाएगा फिर एक नया स्पॉन्ज जो है नई बर्ड डिवेलप होगी और इस बर्ड का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो बर्डिंग वो प्रोसेस है जिससे स्पॉन्जिस का अंदर कॉलोनीज बनती हैं हमने शुरू में कहा था कि स्पॉन्जिजस दे नॉर्मली लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज तो कॉलोनीज़ के बनने में बर्डिंग का प्रोसेस जो है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनना कि कोई भी बर्ड जो है वो बॉडी के साथ डिटैच भी हो सकती है और अटैच भी हो सकती है जब अटैच होती जाएंगी मुख्तलिफ़ बर्ड्स तो इनका ये देखें वन टू थ्री फोर आहता आहस्ता ये कॉलोनीस में इनका नंबर इनक्रीज़ करता जाएगा अब दूसरा प्रोसेस जो है जिसको हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे यहाँ पे कुछ बॉडी सेल्स जो हैं जिनको हम दे विल बिहेव लाइक सेल्स और कुछ बॉडी सेल्स जो हैं दे विल बिहेव लाइक स्पॉम सेल्स यानी मॉडिफाइड कॉलर सेल्स जो कि स्पॉन्ज की बॉडी में मौजूद हैं दे विल एक्ट लाइक स्पॉम्स अब स्पाम सेल्स जो हैं दे आर इनगर्फ बाय आ कॉलर सेल्स कॉलर सेल्स के अंदर जब ये जाएंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो के अंदर रिपीटेड सेल डिवियंस होगी रिपीटेड सेल डिवी से जो प्लैंकटोनिक लार्वा इनका बन जाएगा एम्फी उस और इस टिपिकल लार्वे का नाम है एम लार्वा ब्लास्टूला अब एम लार्वा जो है ये फ्री स्विमिंग होगा लेकिन कुछ अरसे के बाद दिस लार्वा विल नॉर्मली सेटल एंड अटैच टू द बॉटम ऑफ अदर स्पॉन्जेस वंस इट्स अटैच टू द बॉटम ऑफ अदर सरफेसिज नाउ इट्स Further development will takes place, and a new sponge will be formed. So, in the reproduction of sponges, both kinds of reproduction, asexual as well as sexual reproduction, these takes place, and the number of sponges normally increase in this universe.